ये एक चालू हाईवे है और यहाँ पे लोग जो है सड़कों पे जो है अपना अनाज सुखाते हैं। हालांकि इनके पास थोड़ा जमीन की कमी है। यहाँ पे अगर कोई मोटरसाइकिल चढ़ जाए, कोई गाड़ी चढ़ जाए तो बड़ा भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो देखिए, सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और हम बिहार के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। जब आप अररिया, सुपौल, मधेपुरा ये सब क्षेत्रों में आते हैं तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। तो मैं इन लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ, ये जितने सारे लोग हैं, कि कम से कम आप लोग बेवजह सड़क पे ये सब चीज़ें ना डालें। मान लीजिए कि भैया कोई मोटरसाइकिल वाला आएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हर जगह इधर देखने को मिल जाता है। तो अगर हम लोग बिहार बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को बदलना होगा। मान लीजिए इस रास्ते से कोई बड़ा बिजनेसमैन इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने आएगा तो कैसे आएगा, ये चीजें समझने की जरूरत है। और चाची देखिए, आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। मुझे पता है, सुनियो ना, हम लाते हैं। सुनिए सुनिए, हमें पता है कि आपके पास जगह नहीं है, हमें पता है, जगह नहीं है, लेकिन हम आपसे विनती कर रहे हैं, नहीं लाते, हाँ विनती है, जगह बनाया जाएगा, जगह बनाया जाएगा, लेकिन विनती कर रहे हैं, सही कि नहीं? और हर गांव में कम से कम गांव के जो अमीर लोग हैं, गांव का मुखिया है, गांव का वार्ड परिषद है, वो लोग कुछ जगह का व्यवस्था करे, जो गर्मजरुआ जगह होता है वहां पे जो है आराम से जो गरीब लोग हैं वो अपना अनाज वहां पे सुखा सके। और सड़क पे मत सुखाइए लोग, ना ना कह दे चक्रा है छे ना हमरा ऊपर से कह चोरा उठा ले ला। कितना बार जो है एक्सीडेंट होता है, होता है कि नहीं एक्सीडेंट होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? एक्सीडेंट तो इससे सबको परेशानी होता है। और एक्सीडेंट किसका होता है? एक्सीडेंट किसका होता है? गरीबे का होता है, क्योंकि गरीबे मोटरसाइकिल से चलता है, गरीबे साइकिल से चलता है, सही कि नहीं है? तो इस सब पे ध्यान देना है कि नहीं? किसके दरवाजे पे है ये? सर ये हमारे घर का है, इनका है। किसका है? इन्हीं का है, इन्हीं का है, हमारा ही हुआ था, चाचा का है तो हमारा ही। नहीं नहीं नहीं, इसका नहीं, हमारा नहीं है। ठीक है, कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डरिए मत, डरिए मत, अरे चाचा चाचा डरिए मत, डरिए मत, लेकिन सबके भलाई के लिए बोला है, सही है कि नहीं? कोई जुर्माना नहीं, कोई फाइन नहीं, बस हम सब मिलके बिहार को बदलेंगे, सही है कि नहीं? बिल्कुल, ये चीज है। मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद, डर के भाग गए, चलिए ठीक है ना? मनीष भैया पान खाना बंद कीजिए, ठीक है? नहीं होना चाहिए ना? और आप लोग भी ऐसे ऐसे जगहों पे वीडियो बना सकते हैं, सही कि नहीं? बच्चिया जो है साइकिल से जाती है, स्किप कर जाता है साइकिल तो दिक्कत हो जाता है। चाचा सड़क पे नहीं ना होना चाहिए। और जो आप लोग ये इधर सुखा रही है, इधर रख के इसको उधर से भी सुखा सकती है, सही है? हमारा घर ना सजाना, अरे सुंदर बिहार बनेगा, अभी तो कभी तो समझा ना, समझे खूब समझे, सही है? ओ चाची ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो सब हटा लीजिएगा, हटा लेते हैं, ठीक है? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट हम प्यार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? देखिए ये मोटरसाइकिल अगर स्किड कर गया तब दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो आप लोग भी सर, एक सेल्फी, आप लोग भी मानक सेल्फी, सब वीडियो बनाना जरूरी है, नहीं नहीं सेल्फी लेना सर, सर प्लीज सर, ऐसा सर रुको ना यार, रुको ना, चाची दीदी सड़क पे नहीं होना चाहिए, नहीं ना ये सब चीजें सड़क पे? मान लीजिए ये बच्चा दौड़ रहा है, अब पैर फिसल गया तब क्या होगा, सही है कि नहीं? बाबू ठीक है ना? चाची नहीं ना, सड़क पे नहीं ना, सड़क पे अनाज नहीं सुखाना है ना, नहीं ना सुखाना है दीदी, नहीं ना सुखाना है, नहीं सुखाना है। और हाँ मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, ये लोग गरीब लोग हैं, इनके पास जगह नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत है। और गांव के लोग जो है ऐसा कुछ व्यवस्था करें ताकि जो है गरीबों का अनाज जो है सही जगह पे सुखाया जा सके। बाकी मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, और बिहार की सड़कों को और कैसे चौड़ा किया जाए, साफ सुथरा कैसे किया जाए, इसके बारे में अपना राय जरूर रखना। जय हिंद। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है, कहीं नहीं तो कहीं अगर इस पे मोटरसाइकिल चढ़ेगा तो वो स्लिप करेगा और आदमी खत्म भी हो सकता है।